एक बंदे ने एक दफा पूछा, जी फर्ज का दर्जा ज्यादा के सुन्नत का? फरमाने लगे फर्ज का। तो कहने लगे फिर सीधा मुंह धोया करें। आप वुजू में पहले हाथ धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं। तो मुंह फर्ज तो मुंह धोना है पहले, हाथ धोना भी वुजू में सुन्नत है, नाक में पानी डालना भी सुन्नत है, कुल्ली करना भी। तो आपने तो पहले तीन सुन्नतें अदा की फिर वुजू। फरमाने लगे ठीक तुमने कहा है, पर तुम पता नहीं ना तुम्हें कि ये मेरे रसूलुल्लाह की सुन्नत की बरकत कितनी है। शरीयत हुक्म देती है कि पानी मोतदिल होना चाहिए वुजू करने के लिए, ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो। ज्यादा गर्म हो तो मुंह जल जाता है। और शरीयत हुक्म देती है कि पानी बद जायका नहीं होना चाहिए, और हुक्म देती है कि बदबू वाला नहीं होना चाहिए। फरमाया इसलिए हमारे नबी ने पहले हमें तीन सुन्नतें दी कि टूटी के नीचे ना हाथ करके देख लो पानी ज्यादा गर्म तो नहीं, और कहीं मुंह ना जला लेना। और फिर हमारे नबी ने हमें सुन्नत दे के बताया कि मुंह में डाल के देख लो बद जायका तो नहीं, फिर का नाक में डाल के देख लो कि इससे बू तो नहीं आती। फरमाया मुस्तफा ने कहा मेरी तीन सुन्नतें अदा करके अब चेहरे पे पानी डालोगे तो फर्ज अदा करने का मजा आ जाएगा।